नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व जो ऑनलाइन क्लासेज हुई थी उसमें हमने लॉरेंज रूपांतरण और इसके परिणामों का अध्ययन किया था। लॉरेंज रूपांतरण के जो परिणाम हमने अभी तक पढ़े हैं वे थे लंबाई संकुचन, समय विस्तार या समय विस्फारण और वेगों के योग का नियम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लॉरेंज रूपांतरण के जो अन्य परिणाम हैं, द्रव्यमान की आपेक्षिकता और द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉरेंज रूपांतरण का परिणाम है, द्रव्यमान की आपेक्षिकता, रिलेटिविटी ऑफ मास। जैसा कि आपको मालूम है, चिरसम्मत यांत्रिकी में यह माना जाता है कि गतिशील कण का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी भी गतिशील कण का द्रव्यमान सभी प्रेक्षकों के लिए, चाहे वो स्थिर हो या चाहे वो वेग की स्थिति में हो, सबके लिए समान रहता है। परंतु आपेक्षिकता के सिद्धांत से इस मान्यता के विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात गतिशील कण का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। और इसे सिद्ध करने के लिए, यदि जड़त्वीय तंत्र एक्स एक्स की दिशा में सापेक्ष गति करते हैं, तो लॉरेंज रूपांतरणों में हम ये देख चुके हैं कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो सिर्फ एक्स एक्स के अनुदिश ही होता है। वाई दिशा में कण का विस्थापन डेल्टा वाई सभी फ्रेमों में समान रहता है, परंतु मापा गया समय अंतर डेल्टा टी विचाराधीन निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है, अर्थात अगर निर्देश तंत्र स्थिर है तो उसमें मापे गए समय का मान अलग होगा, जबकि जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें प्रेक्षित जो समय अंतर है उसका मान अलग होगा। माना कि किसी कण की गति के लिए प्रयोगशाला की घड़ी द्वारा मापा गया समय अंतर डेल्टा टी है। यदि इसी समयांतर को कण के वेग से गतिशील तंत्र में स्थित घड़ी द्वारा नापा जाए तो समयांतर डेल्टा टी डैश प्रेक्षित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी डैश कण का उचित समयांतर या प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। यदि कण का विराम द्रव्यमान एम जीरो हो तो वाई दिशा में कण का संवेग सभी तंत्रों के लिए संरक्षित होगा। अतः वाई दिशा में जो कण का संवेग पी वाई है इसका मान होगा एम जीरो इंटू वी वाई, और वी वाई का जो मान है वो होगा डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी डैश। इसलिए पी वाई बराबर एम जीरो इंटू डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी डैश बराबर एम जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश, या पी वाई इक्वस टू एम जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। चूंकि ये वी वाई के बराबर है इसलिए पी वाई बराबर एम जीरो वी वाई इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश। परंतु समयांतर विस्तार से हम जानते हैं कि डेल्टा टी डैश इक्वस टू डेल्टा टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसलिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश बराबर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस मान को अगर हम पी वाई की जो इक्वेशन पहले ही जो डेराइव कर चुके हैं 2.67 इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो पी वाई का मान हमें प्राप्त होगा पी वाई बराबर एम जीरो वी वाई इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एम जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी वाई। यदि सापेक्ष के द्रव्यमान एम हो तो
py इक्वस टू एम इंटू वी वाई लिखा जा सकता है, और इसका जो मान है वो जैसा कि हम इक्वेशन 2.69 से डेराइव कर चुके हैं, इसका मान होगा एम जीरो वी वाई अपॉन अनरूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अर्थात इन दोनों की अगर हम तुलना कर दें तो एम इक्वस टू एम जीरो अपॉन अनरूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है। इस प्रकार जो द्रव्यमान है, अगर रेस्ट मास m0 है और गति की अवस्था में प्रेक्षित जो द्रव्यमान m है, तो दोनों में जो संबंध है वो होगा m इक्वस टू m0 अपॉन एन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस प्रकार हम प्रेक्षित करते हैं कि जो द्रव्यमान है वो आपेक्षिक होगा, अर्थात आपेक्षिकीय रूप से अगर दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हों तो स्थिर और जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें किसी कण का जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न प्रेक्षित होगा। अब जो लॉरेंज रूपांतरण का दूसरा परिणाम जिसका कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता। अर्थात मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसका जो अभिप्राय है वो ये है कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। क्योंकि द्रव्यमान का आपेक्षिकीय प्रभाव अर्थात वेग के साथ द्रव्यमान का परिवर्तन हम ऑलरेडी इसका अध्ययन कर चुके हैं, अतः द्रव्यमान में परिवर्तन से उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होना चाहिए। किसी कण पर अगर एफ बल आरोपित किया जाए जिसके के कारण उसमें dx विस्थापन होता है, तो बल एफ द्वारा जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि dt के तुल्य होता है, अतः dt इक्वस टू एफ dx। लेकिन जो f का मान है, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है सीनियर क्लासेज में आपने पढ़ा है, बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात f इक्वस टू डी वाई डी टी इंटू एम वी। और इस एम वी का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा f इक्वस टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि डी टी, इसका जो मान है वो होगा f डी एक्स। और चूंकि f का मान हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, इसका मान है वो है एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। इसलिए ये मान अगर हम डी टी बराबर एफ डी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो डी टी का मान हमें प्राप्त होगा एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। और इसका मतलब ये हुआ कि डी टी इक्वस टू, चूँकि डी एक्स अपॉन डी टी वी के बराबर है, इसलिए डी टी को लिखा जा सकता है डी टी बराबर एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एम। लेकिन जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था द्रव्यमान की आपेक्षिकता, जिसके अनुसार m इक्वस टू एम जीरो अपॉन अनरूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, जहां m जीरो रेस्ट मास है, इसलिए m स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करें तो m स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस समीकरण को अगर हम अवकलित कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें रेस्पेक्टिव टर्म्स को, तो हमें प्राप्त होगा सी स्क्वायर, एम स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा ट्वाइस एम इंटू डी एम माइनस एम स्क्वायर का अगेन होगा वी स्क्वायर ट्वाइस एम डी एम प्लस जो वी स्क्वायर है उसका होगा एम स्क्वायर इंटू ट्वाइस वी डी वी बराबर जीरो। चूँकि एम जीरो ये कांस्टेंट राशि है और सी ये प्रकाश का वेग है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों के गुणनफल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हुआ जीरो। इसको इसमें ट्वाइस एम कॉमन आ रहा है, इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगी सी स्क्वायर डी एम
माइनस एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम बराबर जीरो, या वी एम डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम बराबर सी स्क्वायर डी एम। इसलिए समीकरण 2.73 और समीकरण 2.71 से, चूंकि एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम बराबर डी टी है इक्वेशन 2.71, और 2.73 से वी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम का मान हमें प्राप्त हो रहा है सी स्क्वायर डी एम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डी टी का जो मान है वो होगा सी स्क्वायर डी एम के बराबर। स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कण के द्रव्यमान में परिवर्तन से व्यक्त किया जा सकता है। यदि कण का विराम द्रव्यमान एम जीरो हो तथा गति के कारण द्रव्यमान एम हो, तो उपरोक्त जो समीकरण डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम है, इसका समाकलन करने पर जो गतिज ऊर्जा में हमें वृद्धि प्राप्त होगी वो होगी टी बराबर इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम एम जीरो टू एम बराबर सी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम फ्रॉम एम जीरो टू एम। और डी एम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा एम माइनस एम जीरो। इसलिए टी का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा टी बराबर सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम जीरो। अर्थात गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान उस वस्तु के वेग के कारण हुई द्रव्यमान वृद्धि एम माइनस एम जीरो तथा सी स्क्वायर के गुणनफल के तुल्य होता है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा में वृद्धि कण के द्रव्यमान में वृद्धि के कारण होती है। यहाँ विराम द्रव्यमान एम जीरो से संबंधित ऊर्जा एम जीरो सी स्क्वायर का पद उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा कहलाता है। इसे विराम ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि एम जीरो जो है वो रेस्ट मास है या विराम द्रव्यमान है, इसलिए एम जीरो सी स्क्वायर ये विराम ऊर्जा कहलाती है। चूंकि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा उस वस्तु की विराम ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है, अतः कुल ऊर्जा इक्वल्स टू जो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा। गतिज ऊर्जा चूंकि टी है और विराम ऊर्जा चूंकि एम जीरो सी स्क्वायर है, इसलिए इक्वल्स टू टी प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। और चूंकि टी का मान हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, इसका मान होगा एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, और इसको हल करें तो ई बराबर एम सी स्क्वायर प्राप्त होगा। यह समीकरण आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है, या इसे द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध भी कहते हैं। और यह समीकरण एक्चुअली द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करता है। अब पुनः चूंकि ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और चूंकि m का मान m0 जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, इसलिए e को लिखा जा सकता है m0 जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो e बराबर m0 जीरो सी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन की तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, तो हमें प्राप्त होगा ई बराबर एम जीरो सी स्क्वायर इंटू वन प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 3/8 वी फोर अपॉन सी फोर प्लस सोन, या ई बराबर एम जीरो सी स्क्वायर प्लस हाफ एम जीरो वी स्क्वायर प्लस 3/8 एम जीरो वी फोर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सोन। इस समीकरण में एम जीरो सी स्क्वायर पद विराम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा है या विराम ऊर्जा है, तथा अन्य पद कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। कण के वेग v की उच्च घातों को अगर हम नगण्य मान लें तो अप्रोक्सीमेटली हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा e इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस हाफ एम जीरो वी स्क्वायर। और यह समीकरण चिरसम्मत
न्यूटोनियन यांत्रिकी के समीकरण के समरूप है। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान और जो ऊर्जा की तुल्यता है ये ज्ञात कर सकते हैं। और इस द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के कई उदाहरण प्रेक्षित किए गए हैं, जिनमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन और युग्म उत्पाद तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन शून्यकरण, इन सब को हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के आधार पर समझा सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो परिणाम है लॉरेंज रूपांतरण का, वो हमें प्राप्त हुआ है। तो बस आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। धन्यवाद।